हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता। और पास्ता भी ऐसा बनाएंगे जो बहुत हेल्दी होगा और टेस्टी भी होगा और बच्चों को पसंद आएगा। तो उसके लिए हमें सामान चाहिए। एक कटोरी पास्ता लेंगे और गाजर लेंगे, लंबे साइज में हमने गाजर काट ली हैं। टमाटर लेंगे, टमाटर को हमने छोटे साइज में काटा है। प्याज लेंगे और शिमला मिर्च, अदरक, लहसुन और मटर लेंगे। अब कोई भी बर्तन ले लेते हैं जो आपके पास हो, उसमें हम पानी उबालेंगे और उसमें डालेंगे नमक और पास्ता। पास्ता हमें जब डालना है जब पानी में उबाल आ जाए, और इसे हम चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे चिपके ना। आंच रखेंगे हम मीडियम और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे और इसे चलाएंगे। जब ये मतलब उबल जाए, तैयार हो जाए, तो हम इसमें से आधा कप पानी निकाल लेंगे जो हमारे बाद में इसमें डालने के काम आएगा। तो हम बीच में चेक कर लेते हैं ये ज़्यादा गले ना। अगर ये ज़्यादा गल गई तो ये टूटने लगेगी या चिपकने लगेगी और इसका स्वाद भी ख़राब हो जाएगा। तो इस टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये गल के तैयार हो चुकी है, देखिए। अब हम इसे छलने में निकाल लेते हैं। अब आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल डाला है मैंने। आप चाहें तो आप कोई भी तेल डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे, जब ये तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे लहसुन, और लहसुन जब भुन जाए तब डालेंगे अदरक। किसी भी चीज़ को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। एक प्याज डाली है काट के, और इस टाइम डालेंगे हम गाजर और मटर। गाजर मटर को हमें थोड़ा सा भून लेंगे 5 मिनट के लिए। आंच को मीडियम ही रखेंगे। अब डालेंगे शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च क्रंची अच्छी लगती है, और टमाटर डाल देंगे। उसके साथ ही हम डालेंगे नमक। एक प्याज ली थी तो उसका डबल हम टमाटर लेंगे, 2 टमाटर लिए हैं मैंने। तो इसमें डाली है काली मिर्च और ओरिगैनो, लाल मिर्च डाली है। अब इसे बढ़िया करके मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें पास्ता डाल देंगे। पास्ता किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन टेस्ट में सब एक से होते हैं। अब जो हमने पानी निकाला था वो पानी हम थोड़ा सा डाल देंगे ताकि ये सूखी सूखी ना लगे। थोड़ा सा इसमें स्वाद उसका अच्छा आता है। और सोया सॉस डाल देंगे, टमाटो केचप डालेंगे और इसे बढ़िया करके मिक्स कर देंगे। नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप। और इसे भूनेंगे अच्छी तरीके से, 5 मिनट के लिए भूनना है। और देखिए ये बनके तैयार हो चुकी है। 5 से 10 मिनट इसे बनाने में लगते हैं, और हमने इसमें सारी सब्जियां डाली हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी है जो बच्चों को भी नुकसान नहीं देगी और खाने में भी अच्छी लगेगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।